तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। कब तुम हमारा मुख क्यों बंद कर रहे हो? गुरुजी, अब ये तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी, ये गीत आपके मुख से कदापि ही नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अब सौदामनी देवी तो बनेगी रानी। खत्म हो गई आपकी प्रेम कहानी, सब अनर्थ हो गया गुरुजी, सब अनर्थ हो गया। बस बस मूर्खों, बस बस, हम अत्यंत मानसिक पीड़ा में हैं, अपना उपदेश बंद करो। जाओ जाकर सौदामनी देवी को कहो कि राजगुरु महागुरु तथाचार्य आए हैं। जी गुरुजी। धनी मनी, गुरुवर से कह दो आज हमारा मन कहीं और उलझा हुआ है, आज हमसे भेंट करने का कोई लाभ नहीं होगा। क्या कहा? सौदामनी का मन कहीं और उलझा हुआ, अर्थात हमारा हृदय अनाथ हो गया। हाँ गुरुजी, आपका आशीर्वाद अनाथ हो गया, सौदामनी देवी आपसे से नहीं मिलेगी। नहीं, हम भेंट किए बिना नहीं जाएंगे, बस एक बार भेंट करके सत्य जान लें। हम जानते हैं गुरुवर भी बड़े हठी हैं, एक काम करो, सौदामिनी रुक जाइए। हाँ, आज की स्थिति पूर्व के जैसी नहीं है, समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं। मिलना मिलाना तो होता ही रहता है, परंतु मिलाप आज नहीं होगा। हाँ, हृदय घात भी हम ही सहन करें और समझने का उत्तरदायित्व भी हम ही लें, और जब मेल मिलाप हो तो कोई और। हाँ। बस आप हमें मात्र ये बता दीजिए, जो बागीचे में हुआ वो सत्य है? हाँ, ये सत्य है, परंतु आपको कैसे पता? आप तो हमारे साथ नहीं थे। सुन सुन के सब देख लिया हमने, परंतु यदि उस समय हम वहां होते तो ये अनर्थ होने देते क्या? कदापि नहीं। और आप, जब ये सब कुछ हो रहा था तो आपको एक बार भी हमारी याद नहीं आई? कैसी बात कर रहे हैं, स्वयं महाराज हमारे समीप हो तो हम किसी और को स्मरण क्यों करें? क्या जरूरत है? हे भगवान, ये धरती फट जाए, हम इसमें समा जाए, ऐसा प्रतीत होता है। शीघ्र शीघ्र ये कहानी समाप्त हो जाएगी। हाँ, समाप्त तो हमें भी करना पड़ेगा, अन्यथा हमारे ये मुख, इस संसार को, इस समाज को हम कैसे दिखाएंगे? ठीक है सौदामिनी जी, ठीक है। बहुत बहुत बधाई आपको सौदामिनी जी, आपका नया प्रेम, और अब आप बन जाएंगी रानी और समाप्त हो जाएगी हमारी प्रेम कहानी। अच्छा सौदामिनी जी, अंतिम बार अपना मुख तो दिखा दीजिए। नहीं। नया प्रेम, नई कहानी, नई रानी, क्या कह रहे थे? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ। तेरे द्वार से चला ये जोगी, जो था तेरा प्रेम रोगी, तूने महाराज से आंख लड़ाई, तुझे लज्जा न आई, हमारे हृदय को चोट पहुंचाई, हमारी निकली रुलाई। ये सत्य है महाराज, ऐसी बातें तो हमने भी सुनी है, हमने स्वयं ने पता की है, परंतु संतोषजनक तथ्य यह है महाराज कि अब तक ये बात प्रजा में फैली नहीं है, परंतु शीघ्र ही क्या महाराज, शीघ्र ही यदि इस बात पर नियंत्रण नहीं किया गया तो बात हाथ से और प्रतिष्ठा राजमहल से अपमान का चोला पहन के निकल सकती है महाराज। कौन सी बात ये कि हम उस रात नृत्य की सौदामिनी के साथ? जी जी महाराज। असत्य है, निराधार है ये सब। महाराज हमें भी अब तक सारी बातें असत्य ही प्रतीत हो रही थी, परंतु अब क्या महामंत्री जी? जी अब भी हम इन सारी बातों को असत्य ही मानते हैं, परंतु ये समझ से परे है कि ये सारी बातें फैलाई किसने। परंतु हम सब कुछ समझ पा रहे मंत्रीवर। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण को प्रस्तुत किया जाए हमारे समक्ष। जो आ गया महाराज। सौदामिनी, ये क्या कर डाला, हमारा हृदय तोड़ डाला। आए कोई तो देखे हमारे गुरु जी का मुख। पहले तो कितना तेजस्वी, ओजस्वी, तपस्वी, किंतु आज जैसे जली हुई रस्सी। क्योंकि हमारे गुरु जी ने प्रेम किया था। प्रेम ही ऐसी वस्तु है जिसके हम हो सकते हैं, लेकिन प्रेम हमारा नहीं हो सकता है। ये स्पष्ट हो गया है, नहीं होता। गुरुजी हमारे प्रेम में भमरा बन गए और प्रेम के वशीभूत होकर भमरे ने पुष्प खिलाया। एक बार जिसे छीन के ले गया कोई राजकुमार। शीघ्र शीघ्र महाराज सौदामनी देवी के हाथों में हाथ डालकर महाराज सौदामनी देवी के साथ साथ फेरे लेंगे। और फिर विवाह समारोह भी होगा जिसमें 56 लोग भी होंगे और हमारे गुरुजी को भी उसमें बुलाया जाएगा। किंतु हमारे गुरुजी इस दुख में, इतनी व्यथा में क्या भोजन कर पाएंगे? ना, नहीं, सारा भोजन हमें ही खाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे गुरुजी तो सिर्फ गम खाएंगे, सौदामिनी के गम नहीं। हम होंगे ही नहीं। कहा? विजयनगर में, इस संसार में। क्या कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसी विधि बताओ कि हम बिना पीड़ा के ईश्वर के पास पहुंच जाए। सौदामिनी, गुरुजी डाल के फंदा मिलेगी मुक्ति, ऊपर जाके करना प्रेम की भक्ति। ना ना, गला घुटने से जो पीड़ा होगी हम सहन नहीं कर पाएंगे। कोई और उपाय बताओ, पीड़ा भी ना हो और प्राण भी निकल जाए। गुरुजी कुछ तो पीड़ा सहन करनी पड़ेगी ना। गुरुजी भविष्य में कोई पीड़ा आपको ना सहनी पड़े, इसीलिए फंदा लो और गले से लगा लो। ना 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 मेरे शिष्यों, बस कोई और उपाय सुझाओ मेरे प्रिय शिष्यों। हम नहीं जीना चाहते, हम नहीं जीना चाहते। गुरुजी आपको ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ आपके और भगवान के मध्य कोई ना आ सके। कोई ऐसा स्थान है? हाँ है गुरुजी। राजमहल की छत। अच्छा। जहाँ पर आपके और भगवान के मध्य दूसरा कोई नहीं होगा। ठीक, आप वहाँ जाना और बिना कोई विलंब किए वहाँ से कूद जाना। कूद जाएंगे। गुरुजी कूदने से सीधा मृत्यु हुई तो सीधा स्वर्ग, अन्यथा आप अन्यथा क्या? गलती से आप जीवित बच गए और केवल हड्डियां पसलियां ही टूटी तो सीधा रोगी लोग जाएंगे। ईश्वर, ईश्वर, हे भगवान। हमें आपसे ये अपेक्षा नहीं थी पंडित रामकृष्ण। मैं भी यही सोच रहा हूँ महाराज, क्या? यही कि मैं आशानुरूप कार्य ही नहीं कर पा रहा। वो कहे कि मेरा मस्तिष्क दबावों से भरा हुआ है, तो मेरी ये इच्छा थी कि यदि मुझे मेरे उत्तरदायित्वों से मुक्त नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ समय का अवकाश ही प्रदान कर दिया जाए। पंडित रामकृष्ण, जहाँ से हम देख रहे हैं आपकी दशा और दिशा दोनों ही तृप्तिपूर्ण प्रतीत हो रही है। हम विजयनगर राज्य के प्रति आपके उत्तरदायित्व की नहीं, अनुत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं। अनुत्तरदायित्व? कैसा अनुत्तरदायित्व महाराज? कैसा? शर्म आनी चाहिए आपको, लज्जा आनी चाहिए आपको पंडित रामकृष्ण। आप हमारे, आपके महाराज और उस रात नर्तकी सौदामिनी के विषय में ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। महाराज, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। मैं तो स्वयं इस प्रसंग को लेकर बहुत चिंतित हूँ। ये तो किसी बुद्धिहीन परिहास जैसा है। परिहास? ये आपकी जो परिहास करने की प्रवृत्ति है ना पंडित रामकृष्ण, वो हमारे व्यक्तिगत, हमारे वैवाहिक और हमारे राज के जीवन में एक अग्नि प्रज्वलित कर रही है, अत्यंत विनाशक अग्नि। क्षमा करें महाराज, किंतु मुझे परिहास, समय और सीमा का ज्ञान है और मैंने तो ऐसा कुछ भी। पंडित रामकृष्ण, आप अपना तर्क अपने तक ही सीमित रखिए, हम कुछ सुना नहीं चाहते। ये जो अग्नि जिसकी हम बात कर रहे हैं आपने प्रज्वलित की है, ये जो अफवाहें आपने हमारे विषय में फैलाई है, उसे रोकिए आप। और यदि यह कार्य आपने नहीं किया है तो ढूंढिए उस व्यक्ति को जिसने किया है और हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। हम देंगे उस व्यक्ति को दंड, कठोर दंड। रामा, हैरान क्यों हो रहा है? यही तो है तेरा भाग्य। बंधु, इस घटनाक्रम का आरंभ शारदा से हुआ है। रामा, पत्नी के कर्मों का आधा पुण्य हर पति को ही मिलता है और पत्नी की त्रुटि का कुछ भाग भी पति को ही मिलता है। बंधु, प्रश्न ये नहीं कि त्रुटि किसकी है, प्रश्न ये है कि इस अफवाह को मिटाकर सत्य कैसे उजागर किया जाए। यदि ये बात विजयनगर में और फैली तो महाराज के सम्मान का क्या होगा? गुरुजी के आत्महत्या करने के बाद ना इनके ऊपर एक कथा लिखेंगे और उस कथा को पूरे विश्व में सुनाएंगे। किंतु मनी, हमारे गुरुजी की आत्मा में कहाँ है कथा? है केवल दुख भरी व्यथा, जिसे जिसे पूरे विश्व में घूम घूम कर बेचेंगे और बहुत सारा धन कमाएंगे। यहाँ हम अपने प्राण त्यागने पर तुले हैं, तुम अपनी दुष्टता नहीं त्याग सकते? हमारे मरने पर भी लाभ उठाना चाहते हो मूर्खों। जीते जीते तो आप काम आ नहीं पाए, तो मरने के बाद आ जाइए ना गुरुजी। हे भगवान, कैसे दुष्ट शिष्य मिले हैं हमें। गुरुजी, आप चिंता ना कीजिए, हमें आभास हो गया है। आभास हो गया? क्या आभास हो गया? गुरुजी, आपकी प्रेम लीला एक राजा के हाथों समाप्त हुई है ना? अब आपकी जीवन लीला भी एक राजा के हाथों ही समाप्त होगी। कैसे? गुरुजी, आप एक घने जंगल में जाइए, आपकी भेंट एक शेर से होगी और वो आपको खा जाएगा। छोड़ो ये सब उपाय, व्यर्थ है सब उपाय। सौदामिनी, 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 बस अब हम आत्महत्या नहीं करेंगे, सौदामिनी की याद में अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। सौदामिनी, ए सौदामिनी। देखा मनी, बुद्धा कितना चतुर है, इसने तो मरते मरते भी मरना स्थगित कर दिया। पंडित रामकृष्ण, आप यहाँ हमारे निवास पे? जी प्रणाम। आपकी आंखों की चिकित्सा हेतु औषधि महाराज ने भिजवाई है। हाँ, हमारे लिए भिजवाई है? एक राजनर्तकी का इतना ख्याल! अब क्या कहूँ, हमारे महाराज हैं ही इतने बड़े विशाल हृदय वाले। विजयनगर के प्रत्येक निवासियों की चिंता रहती है उन्हें। और आपको एक संदेश भी देने को कहा था। क्या संदेश है? उनका संदेश हमारी आज्ञा है। जी जी, उन्होंने आपको राजमहल बुलाया है आज रात्रि के दूसरे प्रहर में। रात्रि के दूसरे प्रहर में? आपको वहाँ आने में कोई आपत्ति तो नहीं, या किसी कारणवश यदि उपस्थित होने में असमर्थ हो तो? नहीं, हम उपस्थित हो जाएंगे और हम महाराज के आदेश का पालन अवश्य करेंगे। और फिर हमें महाराज को धन्यवाद भी तो देना है ये औषधि भिजवाने के लिए। सो तो है। हाँ, परंतु क्या आप हमें बता सकते हैं महाराज ने हमें रात्रि के दूसरे पहर में ही क्यों बुलाया? वो कदापि ज्ञात करना चाहते होंगे कि आपकी आंख ठीक हुई भी या नहीं, है ना? अच्छा, मैं चलता हूँ, दूसरे लोगों को भी आमंत्रण देना है। प्रणाम। और भी आमंत्रण देने हैं? तो पंडित रामाकृष्णा जी, आप ये कह रहे हैं कि आपसे हमने जो बगीचे में कहा था वो सत्य है? क्यों? आपको अपने कथन पर शंका है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पंडित रामाकृष्णा जी, हमारे मुख से कब क्या कल्याणकारी निकल जाए, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। और हम जैसे महान शिष्यों का तो एक ही सिद्धांत है, नेकी कर और दरिया में डाल। आप दोनों तो भूल जाते हैं, किंतु मुझे तो आपसे ही ज्ञात हुआ था ना कि महाराज और सौदामिनी जी ने बगीचे में नृत्य किया था और वो शीघ्र विवाह भी करने वाले हैं। क्या? हमने ऐसा भी कहा था? मनी, प्रतीत हो रहा है कि हम अंतर्यामी हो रहे हैं। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। कहीं तुम दोनों ने मुझसे सत्य कहा था? एकदम सत्य कहा था, एकदम सत्य कहा। यदि ऐसा है तो अब अंदर की बात बताने की बारी मेरी है। आज रात महाराज और सौदामिनी देवी रात्रि के दूसरे प्रहर में दरबार में मिलने वाले हैं। महाराज और सौदामिनी आज रात? परंतु ऐसा कैसे हो सकता है पंडित रामाकृष्णा जी? अब तुम दोनों क्या करोगे? हम दोनों क्या करेंगे? अच्छा, मिलन बागीचे से दरबार में पहुंच गया। नहीं, अब हमें कुछ करना होगा। गुरुजी, आप दरबार में ना जाएं, विघ्न उत्पन्न हो सकता है। विघ्न? कैसा विघ्न? गुरुदेव, महाराज सौदामनी देवी से आज की रात्रि के दूसरे पहर में एकांत में मिलने वाले। ऐसा मिलन तालाब के ठहरे हुए शीतल जल के समान होता है गुरुजी। आप वहां जाकर ठहरे हुए जल में कंकड़ मारोगे? ठहरे हुए जल में कंकड़ नहीं, बिना पूर्व सूचना के भूचाल आएगा। कैसे? 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 हम अपने मंत्रों की शक्ति से बिना पूर्व सूचना की भूचाल लाने में सक्षम हैं। अब तो भूचाल लाना पड़ेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हम सब कुछ मिटा कर रख देंगे। सौदामिनी, क्या आज रात्रि महाराज और सौदामिनी दोनों दरबार में रात्रि के दूसरे पहर में मिलने वाले हैं? हाँ, उठा लो उठा लो। अरे दत्त, हमें नहीं, इस रहस्य से थोड़ा और पर्दा उठा लो। शारदा, पूरा पर्दा तो आज रात्रि उठेगा। तो तुम मेरी धर्मपत्नी हो, इसलिए ये बात केवल तुम्हें बताई है, किंतु तुम शपथ लो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। रामा, पति पत्नी का बंधन विश्वास पर आधारित होता है, अतः बिना शपथ के आपको हम पर विश्वास करना होगा। हाँ, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। परंतु दोनों महारानियों के साथ कितना बुरा हो रहा है, नहीं? सोचो तो, किंतु महाराज के सामने कोई कर भी क्या सकता है? दरबार में महाराज, जहाँ तक हमें ज्ञात है इस प्रकार तो आप रात्रि में शिकार के लिए निकलते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है महारानी। महारानी चिन्ना देवी, ये वेश शिकार में जाने वाला नहीं लग रहा है। हम किसी आवश्यक कार्य से जा रहे हैं महारानी। महाराज, ये कार्य आवश्यक ही है ना? जी हाँ महारानी तिरुमलंबा, कार्य आवश्यक है। तो आप कब तक वापस आएंगे? जैसे ही कार्य संपन्न हो जाएगा आ जाएंगे। और आपका ये कार्य कब तक संपन्न हो जाएगा? अर्थात आप शयन कक्ष में सोएंगे या फिर दरबार में? विक्षिप्त तो नहीं हो गई आप? दरबार में कैसे सो सकते हैं? और आप हमारी प्रतीक्षा ना करें, हमारे प्रस्थान करते आप सब सो जाइएगा। आप दोनों में से कोई भी हमें वो इत्र की शीशी ढूंढने में मदद करेगा जो अरब के सुल्तान हमें भेंट दी थी? इत्र